अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप। मैं हुरिदा शकील आपको आज की नई वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी स्पेशल ब्लीच किस तरह से बनाते हैं। वाइटनिंग स्पेशल ब्लीच बहुत ही ज़बरदस्त ब्लीच है ये, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये मैंने एक टीस्पून ली है ब्लीच, किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी की हो। अभी डालेंगे हम पाउडर, वाइटनिंग ब्लीच में पाउडर हम हाफ टी स्पून डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे पाउडर, कोई भी टेलकम पाउडर ले लें आप, थोड़ा सा पाउडर। अब हम ऐड करेंगे विटामिन ई वाइटनिंग कैप्सूल, ये हमने दो कैप्सूल ऐड करने हैं इसके अंदर। पहले थोड़ा सा रब कर लें कैप्सूल को ताकि अच्छी तरह से निकल जाए। अभी हम ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल, कैप्सूल हमने एक कदर डालना है ये वाला। अब हम ऐड करेंगे स्किन शाइनर, थोड़ा सा स्किन शाइनर इसके अंदर डालेंगे। इतना स्किन शाइनर काफ़ी है। अभी ऐड करेंगे सूथिंग लोशन, इतना कसूर सूथिंग लोशन काफ़ी है। अभी ऐड करेंगे बूस्टर, बूस्टर भी आप जितना आपने सूथिंग लोशन डाला है उतना ही आपने बूस्टर डालना है। और लास्ट पे हम ऐड करेंगे ड्राई मिल्क, जिससे आपकी स्किन, जितनी भी वाइटनेस ज़्यादा हो जाती है आपकी स्किन की, कोई भी आप दूध ले सकती हैं, ड्राई दूध एक टीस्पून आपने डालना है भर के। और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जिनके एक्नी है वो लाजमी ये डालें ड्राई दूध, इससे एक्नी ख़त्म होती है। हमने मिक्स की हुई ब्लीच थी वो हमने अब स्किन पे अप्लाई करनी है। कस्टमर के स्किन आपने पहले अच्छी तरह से साफ कर लेनी है किसी भी अच्छे से फेस वॉश से या डस्ट क्लीनर से। जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है आपने पहले वो सूथिंग लोशन लगा देना है स्किन पे, उसके ऊपर से आपने ब्लीच लगानी है ताकि इचिंग ज़्यादा ना हो। जब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आईब्रो से आपने बचा के लगानी है।
ये ब्लीच मैंने आपको पहले अपने हैंड पे भी अप्लाई करके बताई हुई है। बैक पे भी करीबन 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर हम डबल कोट करेंगे। हमने इतनी सी ब्लीच को बचा लेना है, तो आपने इसी ब्लीच को दोबारा से डबल कोट करना है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था अपनी में कि डबल कोट लाजमी किया करें, चाहे स्किन पॉलिश हो या सिंपल ब्लीच, हर्बल ब्लीच जो भी हो, क्योंकि डबल कोट से रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आता है। जब आपकी ब्लीच ड्राई हो जाती है, जब आप ऊपर से दोबारा से ब्लीच लगाते हैं, तो वो डबल ब्लीच की तरह बिल्कुल डबल रिजल्ट देती है आपको, खास तौर पे उन एरियाज पे जिनकी आपके ब्लैकनेस थोड़ी ज़्यादा है। ये देखें डबल कोट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये देखें अभी आपने 5 मिनट और वेट करना है, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, आपने थोड़ा सा कॉटन ले लेना है, तो इसको ना इस तरह से बॉल के अंदर डिप कर लेना है, ठीक है। ब्लीच, स्किन पॉलिश, आपने जो भी करना है, आपने हमेशा फेस पे आपने कॉटन से ही साफ़ करना है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। कोई भी रिस्क नहीं लेना आपने। इस तरह से आपने निचोड़ के इसको इस तरह से खोल लेना है। कॉटन बॉल्स भी आप ले सकती हैं, लेकिन मार्केट्स लॉकडाउन की वजह से मार्केट जाना नहीं हुआ, तो इस वजह से फिर कॉटन ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको फैला लेना है, इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है, बिल्कुल नरम हाथों से साफ़ करना है। सिर्फ कॉटन से साफ़ करने का मकसद यही है कि स्किन सेंसिटिव होती है और कोई भी निशान या लाइन्स ना बने। कॉटन से बहुत अच्छी तरह नीट और क्लीन भी हो जाता है। फ्रेंड्स इस तरह से आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और एक बार थोड़ा सा ड्राई कॉटन लेके इस तरह फेस पे अच्छी तरह से साफ कर देना फेस को, ताकि कहीं थोड़ी बहुत ब्लीच अगर रह गई हो या लगी हुई हो तो साफ हो जाएगा और चेहरा जो है वो नीट हो जाए। तो अब इसके बाद आपने देना है एक मसाज। आप किसी भी चीज़ का दे सकती हैं, क्लींजिंग का, डबल एक्शन का। तो आइए हम अब मसाज करते हैं। तो ये है मेरे पास डबल एक्शन अल हरमीन वालों की है। इसको आपने इस तरह से ओपन करना है और थोड़ी सी क्वांटिटी में ये आपने क्रीम लेनी है, क्योंकि ये जितनी डबल एक्शन कोई भी हो, जितनी भी इसकी क्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी ना क्वांटिटी हो जाती है जब आप पानी लगा लगा के इसको यूज़ करते हैं ना। ये देखें इस तरह से आपने क्रीम को अच्छी तरह से फैला लेना है फेस पे। और इस तरह से आपने हल्के हाथों से, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से मसाज करना है, और कस्टमर की आईज जो है आपने बंद करवा लेनी है ताकि उनको सुकून मिले। ये देखें अच्छी तरह से आपने मसाज करना है, बिल्कुल लाइट लाइट फिंगर टिप के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है आपने और मसाज करते जाना है।
डबल एक्शन का मसाज कोशिश करना है कि सर्कल राउंड में हो, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। गर्दन पे भी कोई कोई कस्टमर एग्री होता है फ्रेंड्स अपना फेस लाने पे, तो ये कस्टमर एग्री हो गया था मुझसे, तो मैंने कहा चलें आपको ब्लीच करने का जो तरीका है मेथड है वो पूरा बता दूँ आपको, क्योंकि ब्लीच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, हर लड़की करती है ब्लीच, चाहे एज ज़्यादा हो या कम हो या नॉर्मल एज हो तो ब्लीच तो लाजमी करती है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको ये पूरी सिखा दूँ। नोज़ पे ये वाला हिस्से पे आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि ये ब्लैक होता है ज़रा और वाइट हेड इससे निकल जाती है। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट के लिए आपने मसाज करना है। इस तरह से आपने साफ कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए व्यूअर्स, हमारी ब्लीच और डबल एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने है। देखें नोज़ और चिन किस तरह से शाइन करी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।